की कोई संभावना नहीं है, उसका कोई ओर छोर नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है। जैसे क्षितिज, जैसे इंद्रधनुष, हमारी कला परंपरा ऐसे ही एक अछोर क्षितिज की तरह है जिस पर कालिदास का सतरंगी कृतित्व सदियों से शोभायमान है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक इस अछोर क्षितिज को न तो डूबना है और न ही इस शोभा को कभी विलुप्त होना है। हमारा सौभाग्य है कि हम इस कृतित्व के संबंध में कुछ विमर्श करने के लिए इस सारस्वत आयोजन में उपस्थित हैं। अब ये विषय ऐसा है कि इसके संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय की बाध्यता को दृष्टिगत रखते हुए और समय की सीमा को दृष्टिगत रखते हुए मैं बहुत संक्षेप में कालिदास के कृतित्व के संदर्भ में हमारी कला परंपरा और चित्रांकन परंपरा के बारे में अपने विचार आप सबके विद्वजनों के समक्ष रखना चाहता हूँ, जो मैं अनुभव करता हूँ। जहाँ तक कला का संबंध है उसके बारे में इतनी परिभाषाएं हैं, हमारे चिंतकों ने परिभाषाएं की हैं, हमारे विद्वानों ने उसके संबंध में अपने निष्कर्ष किए हैं, तो मैं तो एक छोटा सा कला का विद्यार्थी हूँ, मैं क्या उसको परिभाषित करूँगा। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ वो ये कि यदि सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हमारे आसपास की सृष्टि में जो रसात्मक अनुभव है, जो रसात्मक अनुभूति है, वो उसके विभिन्न अनुशासनों में होने वाली अभिव्यक्ति कला है। हम जो अनुभव कर रहे हैं वो यथार्थ भी अनुभव कर रहे हैं, वो रसात्मक भी अनुभव कर रहे हैं। उस अनुभव को जो अभिव्यक्त हो जाता है वह हमारी कला के रूप में हम उसे मान्यता दे सकते हैं, देते हैं। कला हमारी आंखों का वह उत्सव है जिसमें यथार्थ तो दिखाई पड़ता ही है, लेकिन यह भी दिखाई देता है कि हमारा भविष्य का यथार्थ या भविष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। भारतीय कला एक निष्कंप जल सतह की तरह है, जिस निरावरण है, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई भाव नहीं, जो अपने स्वरूप में मौन और एकाकी है, लेकिन जिसके पास एक दृष्टि है, और कला की इस दृष्टि से जो एकात्म हो जाता है वही सच्चा कलाकार होता है। यह कला वह दृष्टि है जो एक सृष्टि हमें प्रदान करती है। यह कला हमारे यहाँ परंपरा में इसके प्रामाणिक व्यक्तित्व श्री कृष्ण है। राम में तो 15 कलाएं हैं, विद्यानिवास जी कहते थे, लेकिन कृष्ण में 16 कलाएं हैं। व्यापार है, राधने का जो व्यापार है वह राधा है। और कैसी है राधा? वो तो गीत गोविंद की राधा है। देखिए, मेघेर मेघुरम परम पर भवा श्यामास्तमान ध्रुवय रक्तम भीरुरेव तमेव तदिमम राधे ग्रहम प्राण। कैसी है राधा वो कि श्याम घिराई है, नंद खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं, राधा खड़ी है, चारों ओर अंधकार है, बादल जो है छाए हुए हैं वो अंधकार को और बढ़ा रहे हैं, तमाल के वृक्ष उसको और दुगना कर रहे हैं। ऐसे में कृष्ण को, छोटा जो बालक है, छोटा सा कृष्ण, उसको घर कैसे पहुंचाए? तो फिर नंद निर्देश देते हैं राधा को कि छोटा बालक है, डर जाएगा, तुम इसको इसके घर पहुंचा दो। और राधा कुंज की ओर कृष्ण को लेकर के उनके घर पहुंचाने के लिए चलती है। तो जो गति है, जो स्थिरता है, उसको गति देने वाली राधा है। और यही हमारी भारतीय कला का मर्म भी है। कला स्थिर नहीं होती है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि वो तो एक पांव से चलती है, एक पांव से स्थिर रहती है। ये जो कला का भाव है, ये जो राधा तत्व का भाव है, ये उसमें जो गीत गोविंदकार ने 12वीं शताब्दी में स्थापित किया, वो हमारी कला की आत्मा है। और वो कैसा है राधा का भाव के जिसके अंदर आवेग जो है वो तो धाराओं का है।
लेकिन संयम जो है वो तटता है, संयमित है, उसके अंदर जो है वो किसी भी प्रकार का उद्वेग नहीं है, वो जो है वो उद्वेगहीन है। और कैसा कैसी है वो आत्मा जिसके संबंध में मैं इंगित कर रहा हूं, एक प्रसंग है कि उद्धव जब कृष्ण नहीं रहे प्रभास में, तो उद्धव आए कहने के लिए राधा को कि भाई ये जो है कृष्ण नहीं रहे, उनका महाप्रयाण हो गया। तो जब महाप्रयाण हो गया तो यह इतना हृदय विदारक समाचार था कि वो राधा को कैसे सुनाए कि ये जो है ये कृष्ण अब नहीं रहे, लेकिन सुनाना तो था, इसलिए उन्होंने साहस बटोर के, हिम्मत बटोर के, और फिर राधा को जो सुनाने का निश्चय किया, वे तो बैठी हुई थी यमुना के तट पर, वेणी बांधे हुए उसकी हिलोरों को, तरंगों को निहारते हुए, तो उन्होंने कहा कि ये जो है कृष्ण अब नहीं रहे, उनका महाप्रयाण हो गया। वो सुनकर हंसी, बोले तुम भी कृष्ण को देह में देखते हो, ये देखो ये आकाश, ये निरभ्र आकाश जो है ये है कृष्ण, देह में उनको मत देखो। और यही भारतीय कला की आत्मा है जो समग्रता में विश्वास करती है, जो किसी सीमित देह के अंदर जिसकी परिणति नहीं होती। यह इसीलिए राधा जो है वो कृष्ण की गति है, इसीलिए राधा के बिना उनकी अस्मिता कृष्ण की जो है वो पूर्ण नहीं होती, और इसीलिए राधा को जो है वो भारतीय कला के पर्याय के रूप में हमारे यहाँ प्रतिष्ठित करने की एक पुरानी परंपरा रही है। जिस अंतर अनुशासिक संबंध की बात अभी हम कर रहे थे वो यही है, यदि वांग्मय को देखेंगे और कला के ग्रंथों को देखेंगे और राधा तत्व को यदि देखेंगे, तो इन तीनों के संविलियन से जो दृश्य हमारे सामने आएगा, वो दृश्य सामने यही आता है कि ये जो भाव है समग्रता का, ये निजता के तिरोहण का। राधा तो अपने आप में कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी निजस्व है उनका वो तो सब समर्पित हो गया है, निजता नाम की कोई चीज रही नहीं। वो जो समग्रता का भाव है वही राधा का सच्चा भाव है, और वही भारतीय कला का सच्चा भाव, उसकी सच्ची आत्मा है। इसीलिए कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुष कहे जाते हैं। कृष्ण तो पुत्र जो है वो सांवरे कहा जाता, सांवरे का मतलब सांवले होना नहीं है, वो सांवरे का अर्थ तो ये है कि जो शारदीय रास में विधिवत में गोपियों के साथ रास रचाते हैं, वो भी जो है उतने ही समरे प्रतीत होते हैं जब वो महाभारत के रण में कुरुक्षेत्र में अपना प्रण तोड़ते हुए रथ का चक्र लेकर भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उनका समरापन जो है वह कहीं भिन्न नहीं है यदि गहराई से देखें, और यही भारतीय कला की आत्मा है। इसीलिए सांवरे को भारतीय कला के अंदर आत्मा के रूप में, उसकी कला के रूप में, कला की आत्मा के रूप में, उसके प्राण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। और जिस निजस्व के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो निजता भारतीय कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है, निजता का तिरोहण, जहाँ निजस्व समाप्त हो जाता है। निजस्व कैसे समाप्त होता है? निजस्व समाप्त आपका कब होता है? जब आप न रहो। मैं एक उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ एक अवधारणा है व्यक्ति चित्र की। व्यक्ति चित्र नाम का कोई शब्द हमारे यहाँ अलग से नहीं है, जैसा पोर्ट्रेट है अंग्रेजी में, पोर्ट्रेट एक अलग से शब्द है, जो व्यक्ति चित्र जिसका हमने अनुवाद कर लिया है। व्यक्ति चित्र हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे यहाँ विष्णु धर्मोत्तर में भिन्न चित्र है, हमारे यहाँ व्यक्ति चित्र कुछ भी नहीं है। लेकिन वो पोर्ट्रेट की जो अवधारणा है उसमें उन्होंने निजस्व को प्रतिष्ठित किया है। पोर्ट्रेट जो पश्चिम के अंदर अमेरिया जी बैठे हैं, पश्चिम में जो पोर्ट्रेट बनाए जाते हैं उसके अंदर तो निजता प्रतिष्ठित रहती है। हरक्यूलिस बनाएंगे तो हरक्यूलिस की एक एक मसल, उसकी एक एक नस, उसके मुखमंडल में की जो बलिष्ठता है वो व्यक्त होती है। पश्चिम में देह बलिष्ठ बनाई जाती है, हमारे यहाँ देह सुसंहत बनाई जाती है। पश्चिम में जो अर्किलिस बनाया जाएगा या और जितने भी ग्रीक देवी देवता नग्न रूप में बनाए जाएंगे, उनके अंग प्रत्यंग को बताएंगे वो पूरी विशेषता, उसकी विशिष्टता के साथ। लेकिन हमारे यहाँ तो पहचान निजस्व से बनती नहीं है,
पहचान तो तब बनती है जब निजस्व अपने परिवेश से, अपने लोक से संबद्ध हो जाता है। हमारे यहां व्यक्ति चित्र में राम को हम बिना धनुष के पहचान नहीं सकते, कृष्ण को बिना बांसुरी के, बिना मोर पंख लगाए कृष्ण को देखें तो उसके बिना उनकी पहचान नहीं बनती। और बुद्ध की पहचान तब बनती है जब उनके मस्तक के पीछे वलय हो, तब वो बुद्ध है, उसके बिना बुद्ध को जानता कौन है। तो ये जो भारतीय कला की विशेषता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है, एक अंतरावलंबन की विशेषता है। मतलब हम बिना एक दूसरे का अवलंब लिए अपने आप में खड़े नहीं हो सकते, बिना एक दूसरे का के अवलंबन के। ये अंतरावलंबन जो है, ये भारतीय कला की सबसे बड़ी विशेषता है। आपसी साझेदारी जो है वो हमारी भारतीय कला की सबसे बड़ी विशेषता है। बिना साझेदारी के, बिना अंतरावलंबन के, बिना सहचर्य के हमारी स्वयं की पहचान नहीं बनती। यही कला का संस्कार हमें कालिदास ने दिया है, यही कला का संस्कार हमारे अंदर हमारे पूर्वजों ने दिया है, हमारी परंपरा ने दिया है। तो ये कला के संबंध में बहुत विस्तार से बात की जा सकती है। मैं तो जो लोक आस्था, लोक धारणा या लोक विश्वास के आधार पर हमारे यहाँ जो विचार बना है भारतीय कला के संबंध में, उसको बहुत संक्षेप में व्यक्त करने का यत्न करता हूँ। और कला, चित्रकला का जहाँ तक संबंध है, मेदिनी कोश में तो वर्णाट्य शब्द का प्रयोग किया गया। वर्णाट्य मतलब जो रंगों का संयोजन करें, रंगों और रेखाओं के संविलियन के माध्यम से जो दृश्य हमारे सामने आता है, वह जो है वो उसको चित्र कहते हैं। उसकी कई परिभाषाएं दी गई हैं कि भी आकृति कैसी हो, किस तरीके की रेखाएं हो। ये चित्रकला के संबंध में बहुत विस्तार से हमारे यहाँ बात की गई है। संदर्भों की यदि बात करें तो बड़े विपुल संदर्भ है। भारतीय चित्रांकन परंपरा का यह कहना चाहिए कि उसके साथ ये विडंबना जुड़ी हुई है कि हमारे यहाँ संदर्भ तो बहुत मिलते हैं, साक्ष्य नहीं मिलते। संदर्भ तो मिलते हैं आपके यहाँ ऋग्वेद से, और साक्ष्य इसलिए नहीं मिलते क्योंकि समय समय के ऊपर इतने आक्रमणकारी हमारे यहाँ आए कि हमारे यहाँ के चित्रकला के साक्ष्य जो है वो नष्ट हो गए। तो संदर्भ तो जो है ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद के अंदर चमड़े के ऊपर अग्नि के बने हुए एक चित्र का संदर्भ दिया गया है। चांडोग्य उपनिषद में, मांडोग्य उपनिषद के अंदर उसके उल्लेख है। और उसके बाद हमारे यहाँ आप देख लीजिए, रामायण में, महाभारत में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, भरत के नाट्यशास्त्र में, वात्स्यायन के कामसूत्र में, ये ईसा के कुछ शताब्दियों पूर्व के और ईसा के आसपास की शताब्दियों के कोई ये ग्रंथ है जिनके अंदर चित्रकला के संदर्भ में हमें व्यापक जानकारी मिलती। और फिर अकेली हमारी सनातन परंपरा में ही नहीं, हमारी श्रवण परंपरा भी इस मामले में बड़ी समृद्ध है। बौद्ध ग्रंथों में आप देख लीजिए, जातकों के अंदर, पिटकों के अंदर, चुल्लवंग नाम का उनका एक ग्रंथ है उसके अंदर, और वहाँ जो प्रज्ञापारमिता अष्ट सहार्सिका नामक ग्रंथ है जो बाद में सचित्र रूप से भी बनाया गया बौद्ध परंपरा में पालसेन शैली में, तो वो बौद्ध परंपरा भी इस मामले में बड़ी समृद्ध है। जैन परंपरा के अंदर एक कई ग्रंथ है, औधर नियुक्ति है, प्रश्न व्याकरण सूत्र है, निशित चूर्णी है, कल्प सूत्र है, यशोधर चरित है, नाया धम्म कहाओ है, सुर सुंदरी कहा है। ये तो कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अंदर इसके संदर्भ हमें चित्रांकन के मिल जाते हैं। ये आरंभिक काल के ग्रंथ हैं, चौथी पांचवी शताब्दी तक के ग्रंथ हैं। और उसके बाद तो फिर कालिदास हैं, उनके काव्य हैं, उनके नाटक हैं, बाण हैं, दंडी हैं, भवभूति हैं। उत्तर रामचरित जो भवभूति का है उसका तो आरंभ ही चित्रांकन के ही दृश्य से होता है। तो भवभूति के बाद फिर आपके दामोदर दत्त के कुटिनी मठ तक पंचदशी जो लिखी गई, श्रद्धेय निगम साहब ने फिर मुझको उपलब्ध कराई थी और फिर देखा कि नहीं, ये तो ये दर्शन का ग्रंथ है लेकिन इसमें सारी बातें तो जो है वो चित्रकला की महिमत है। तो ये सारे के सारे ग्रंथ हमारे यहाँ जो है चित्रकला के, जिन्हें हम धार्मिक ग्रंथ कहते हैं लेकिन ये चित्रांकन के विपुल संदर्भ है इन ग्रंथों में। और फिर आप देख लीजिए मानसोल्लास, देख लीजिए सोमेश्वर भूपति का, उसके बाद जितने भी आपके दूसरे मानसार देख लीजिए, भोज का सप्रांगण सूत्रधार देख लीजिए,
इन सारे के सारे ग्रंथों में मैं विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं केवल संदर्भ दे रहा हूं कि इन सारे ग्रंथों के अंदर भारतीय चित्रांकन की परंपरा विश्व विस्तार से दिखाई देती। और पांचवी छठवीं शताब्दी के बीच रखा गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण तो चित्रकला का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसके चित्र सूत्रम नामक प्रकरण में चित्र कैसा बनाया जाना चाहिए, चित्र में रंग कैसे भरे जाने चाहिए, राजा कैसे बनाया जाना चाहिए, सेवक कैसा बनाया जाना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। और वो तो पुराणकार कहता है कि कितना निष्णात होना चाहिए कि वह जो तरंग यदि सागर में उठ रही है तो लगे कि जैसे तरंग हमारे आंखों के सामने उठ रही है, ऐसी उसको निर्मित करना चाहिए। अग्नि हो, धूर्म हो और पताका यदि वो चित्रित करे तो लगे कि जैसे ये पताका फहरा है। ये इस तरह से विष्णु धर्मोत्तर पुराण हमारे यहाँ का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है और उसके संबंध में उसमें चित्रकला के बड़े विपुल संदर्भ है। बड़ी लंबी हमारे यहाँ चित्रांकन को चित्रकर्म कहा गया, आलेख कहा गया, रूपकला कहा गया, कल्पवल्ली कहा गया और चित्रों के कई नाम हैं, चित्र है, चित्राभास है, विद्य चित्र, अविद्य चित्र, भित्ति चित्र, रस चित्र, फलक चित्र, धूलि चित्र, पट चित्र। ये जो अभी आपने देखा होगा उड़ीसा का क्या शानदार पट चित्र है जिसे आपने पुरस्कृत किया है अभी, इतना ये चित्र है, अल्पना है, सांची है, मांडने है, ये सारी की सारी परंपराएं हमारे यहाँ आज की नहीं है, ये हमारी चित्रांकन की एक महत्वपूर्ण विरासत है जो निरंतर चली आ रही है। तो ये जो है ये हमारे यहाँ ये जो तत्व है, रूप भेद प्रमाण भाव सादृश्य लावण्य योजना और वर्णिका भंग, ये छह उसके तत्व बताए उन्होंने। जयमंगला टीका जो लिखी वात्स्यायन के काम सूत्र की, उसमें ये छह है, वर्णिका भंग पश्चिम की अवधारणा में उसके कॉन्सेप्ट में नहीं है। वर्णिका भंग तो हमारे यहाँ है, वर्णिका भंग वही है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि वो जो राधा तत्व है जहाँ एकात्मता हो जाती है, जहाँ किसी प्रकार का भेद नहीं रहता, जहाँ गीत गोविंद की अंतिम अष्टपदी की तरह कृष्ण कहते हैं कि मैं अब अपने पुराने स्वरूप में नहीं लौटना चाहता और राधा कहती हैं कि मैं भी अब कृष्णमय ही रहना चाहती हूँ, वो जो एकात्मता है वो वर्णिका भंग की स्थिति है, जिसको कि जयमंगला टीका में का वात्स्यायन के बाद जो जयमंगला टीका लिखी गई है उसमें उस तत्व का विवेचन किया गया है। तो ये जिस अंतरानुशासिक बात कर रहा हूँ मैं, ये तो आप हमको सब वहीं से मिलेगी। अब जिस कल्पवल्ली की बात मैंने की, वो कल्पवल्ली क्या है, अभिज्ञान शाकुंतल में उल्लेख है कल्पवल्ली का। अभिज्ञान शाकुंतल में एक प्रसंग आता है कि जो वृक्ष है शकुंतला नवमधु के रूप में बन रही है और उसका विवाह होने वाला है, तो जिन पेड़ों को, जिन पौधों को, जिन वृक्षों को वो पानी देती थी, वो सब अपनी तरफ से उसको कुछ देते हैं, उसको परिधान देते हैं, उसको महावर देते हैं। तो उसी प्रसंग में एक वर्णन आया है कि वो जो है एक हाथ जो है आभूषण के रूप में निकला हुआ है पेड़ का, और वो जो है वो कल्पवल्ली के रूप में भरहुत के कलाकार ने उसको बनाया है। भरहुत हमारे यहाँ सतना के पास स्तूप थे, वो 1820 में कलिंगम ले गया उनको, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में रखे हुए हैं, उसमें वो कल्पवल्ली दिखाई देती है। हमारे यहाँ वांग्मय और स्थापत्य के अंतर अनुशासन पे यदि विचार करें तो मालूम होगा कि वहाँ तो ये चीजें हैं। अब कालिदास कब हुए ये एक अलग बात है, यदि पहले हुए होंगे ईसा के तो उन्होंने शिल्पी ने प्रेरणा ली होगी, बाद में हुए होंगे तो कालिदास ने प्रेरणा ली होगी, लेकिन ये तथ्य है कालिदास ने जो के समय में जो कुछ भी शिल्प बने, जो आप देखिए वो चेहरा में मैं देख के आया कि मैं तो दंग रह गया कि जो विष्णु का शिल्प है वो तो वही है जो कालिदास वर्णित करते हैं। भगवान शंकर की मुद्रा जो है, समाधिस्थ शंकर की मुद्रा वही है जो कालिदास वर्णित करते हैं। तो ये शिल्प का, स्थापत्य का ये जो जो वांग्मय से जो आया है कालिदास के, वह हमारे चित्रांकन की और शिल्प की तो बड़ी महान धरोहर। तो ये जो हमारे यहाँ चित्रांकन की परंपरा ऋग्वेद से, जैसा मैंने निवेदन किया,
पुराणों तक चली आई और उसके बाद आपके दामोदर के कुटिली मत तक चली आई। इसके साक्ष जो हैं ये हमारे यहाँ, अब मैं प्रमाणों की बात, अब मैं संदर्भों की बात, अब मैं बहुत संक्षेप में उसकी बात करता हूँ साक्ष्यों की। हम जानते हैं भीम बैठका के चित्र वाकणकर जी ने खोजे होते थे, अपने विरह को कम करने के लिए प्रेमी और प्रेमिका दोनों चित्र बनाया करते थे, ये भी उल्लेख है। और राजाओं के यहां ऐसे दूत हुआ करते थे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में चित्र ले जाया करते थे, लाया करते थे। इसके विशद उल्लेख जो है वो है उसमें। और कालिदास के ग्रंथों का यदि आप संदर्भ लें तो आप ये देखिए कि मालविकाग्नि मित्र का ही उदाहरण ले लीजिए। विद्वानों का मानना है कि उसमें बहुत सुंदर संदर्भ है मालविकाग्नि मित्र में। तो मालविका का चित्र जब अग्निमित्र देखता है तो वो कहता है कि ये चित्र जो है ये तो मुझको लगता है कि इसमें कहीं अतिरंजित रूप से चित्रकार ने ये चित्र बना दिया। और उसको उत्सुकता होती है कि मैं वो चित्र देखूं, मैं मालविका को साक्षात तो देखूं। लेकिन जब मालविका को देखता है तो देखता ही रह जाता है, वो कहता है कि ये चित्र जो है वो तो कमतर बनाया चित्र ने, मालविका तो बहुत अनित्य सुंदरी है, ऐसा कैसा चित्र उसने बनाया। और फिर वो कहते हैं कि उसकी समाधि शिथिल हो गई, वो कहते हैं कि इसकी समाधि शिथिल हो गई। आप तपस्या करो तो वो भी समाधि है और चित्र बनाओ तो वो भी समाधि है। बिना समाधि के सृष्टि पूर्ण नहीं होती, बिना समाधि के सृजन की परिणति नहीं होती, वह परिपूर्णता नहीं पाता, इसलिए समाधि की शिथिलता कहते हैं। और वो श्लोक जो है वो तो बहुत लोकप्रिय श्लोक है उत्तरमेध का। वहां भी मतलब वहां देखिए समाधि शिथिल भी होती है और समाधि शिथिल होने के बाद उसका प्रेम जो है यक्ष का वो एकदम कितना उभर आता है, व्यक्त होने लगता है। त्वामना लिखे प्रणय पिताम धातुरा गए ही शिलाया आत्मा नाम ते चरण कथितम यावद इच्छामि कर्तुम अश्रयी स्थावन महुचित दृष्टिरारूपिते मे क्रूरस्तस्मिन् अपि न सहते संगमं न कृतान्त। कालिदास कहते हैं कि ये यक्ष कहता है कि जब मैं शिला के ऊपर गेरू से तुम्हारी मूर्ति बनाना चाहता हूँ, तुम्हें चित्रित करना चाहता हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं और ये जो है ये चित्र ही पूरा नहीं होता। तो ये नियति इतनी क्रूर है कि इसको हमारा मिलाना स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। ये जो भाव है इसमें उसकी समाधि भी शिथिल होती है, लेकिन उसके उसका जो प्रेम है अद्भुत वो भी प्रकट होता है। अब कई मतलब विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतल के छठवें अंक को ले लीजिए, उसमें चित्रकला के विपुल संदर्भ है, बहुत संदर्भ है। दुष्यंत चित्र बनाता है शकुंतला का, कहता तो सानुमति कहती है और विदूषक कहता है कि ये तो बहुत सुंदर चित्र बना हुआ, तो बोले ये नहीं, इसमें तो बहुत सारी चीजें छूटी हुई है, इसमें तो अभी मेरे को सिरस का जो फूल बनाना था वो फूल बनाने से रह गया है। और ये तुम देख रहे हो ये इसके अंदर ये पसीजा हुआ जो दिख रहा है, कुछ फीका रंग पड़ गया है चित्र में, ये तो मेरी आंख का टपका हुआ आंसू है जिसको मैंने कोशिश की है कि ये हट जाए, इसके कारण ये चित्र पूर्णता नहीं पाता। और वो भी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप सब जानते ही हैं, उसकी क्या पुनरावृत्ति करूं। श्रोतो वहा मालिनी पादास्ता विमतो निषण्य हरिणा गौरी गुरुपापना अश्रय स्थावन मनोरूपचित दृष्टि रूपिते में क्रूरस्तस्मिन् अपि न सहते संगमं कृतान्त। वो जो है उसमें भी वो ये कहते हैं कि अभी तो मुझको बहुत सारी चीजें बनानी है, अभी बलुआ तट बनाना है, ये बनानी है, वल्कल वस्त्र जो टके हुए हैं वो बनाना है, ये पूरा चित्र आप जो है वो कैसे कहते हो। तो दुष्यंत के अभिज्ञान शाकुंतल में इसके कई संदर्भ है। एक संदर्भ जो है वो आपका रघुवंश का बड़ा लोकप्रिय बड़ा संदर्भ है कि जब अयोध्या उजड़ गई तो वहां की भित्तियों के ऊपर जो चित्र बने हुए थे वो चित्र इतने सजीव थे हाथियों के
कि सिंहों ने आक्रमण करके उनको विदीर्ण कर दिया था। रघुवंश के अंदर उसका उल्लेख आता है, उर्वशी विक्रमोवर्षीयम के अंदर उल्लेख आता है कुरुर्वा और उर्वशी का, कि वो उसको उर्वशी के प्रेम में जब रहता है बहुत ज्यादा विभल हो जाता है, तो फिर वो कहती है, विदूषक कहता है कि वो कहता है कि मैं कैसे इससे मुक्त हूँ। तो उन्होंने कहा भाई या तो आप निद्रा का लाभ ले लीजिए, उससे आपको विस्मृति हो जाएगी उर्वशी की, या आप उसको उसका ध्यान करके उसका चित्र बनाते रहिए। तो कहते कि दोनों काम संभव नहीं है, क्योंकि मैं तो काम पीड़ित हूँ, मुझको निद्रा आएगी नहीं, और ये मैं चित्र बना नहीं सकता, क्योंकि मैं चित्र बनाऊंगा तो मेरी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी, मैं चित्र कैसे बना सकता हूँ। तो विक्रमोवर्षि में ले लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतल में ले लीजिए, विशेष रूप से मालविका के मित्रम में ले लीजिए, और कुमार संभव के अंदर तो बहुत सारे चित्र हैं। तो ये चित्र जो है, कालिदास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो चित्र के संदर्भ भी है और चित्रों के संदर्भ के साथ साथ उनका वर्णन इतना विवादात्मक है कि चित्र सामने आ जाता है। दृश्य कब शब्द बन जाते हैं, शब्द कब दृश्य बन जाते हैं, और इस तरह से कालिदास कब जादू रच लेते हैं हम अनुभव नहीं कर पाते। उनका नाम दीपशिखा रखा गया, कितना विवादात्मक वर्णन है इंदुमती का, संचारिणी दीपशिखे रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम परासा नरेंद्र मार्गाटिव प्रपेदे विवरण भावम ससर भूमि पाद। इंदुमती का स्वयंवर हो रहा है, जा रही है वो राजाओं को चुनने के लिए, अपने किसी एक को चुने की वर के रूप में, लेकिन जब वो जाती है तो देखती है कि ये वो राजा जिसके सामने खड़ी होती है तो दीप्त हो जाता, ऊपर से नीचे तक आलोकमान होता है, लेकिन आगे जैसे बढ़ती है ससर भूमि पाद, जैसे राजपथ के ऊपर बनी हुई अट्टालिकाएं अंधकार में डूब जाती हैं, उस तरह से वो राजा डूब जाता है, इतना बिंबात्मक वर्णन है। अब आप देखिए कि कालिदास ने क्या बिंब खींचे हैं। इसकी यह परंपरा जो है, ये चित्रांकन की ये परंपरा हमारे यहाँ निरंतर चली आ रही है। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हम लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए।